हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फेज इन SHM। ठीक है, इससे पहले हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और उनके लिए हमने एक्सप्रेशंस भी ढूंढे हैं, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी हमने ढूंढी है जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। अभी जो है वो हम देखने वाले हैं फेज इन SHM। फेज इन SHM क्या होता है, उसका यूज क्या है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका स्टेप बाय स्टेप मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो फेज क्या होता है इसका बात समझ लो। फेज जो होता है हमें यूज क्यों करना है। ठीक है, तो फेज क्या करता है, इट गिव्स यू द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, बस यही है। फेज क्या करता है SHM का, फेज एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी टर्म है जो आपको क्या बताती है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताती है। अभी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या क्या होता है तो चलो देखते हैं। मान लो ये कोई मीन पोजीशन है और पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा, मतलब पार्टिकल इस पाथ पे क्या करने वाला है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करने वाला है। ये है आपका मीन पोजीशन, और ये पार्टिकल है जो आपका क्या कर रहा है, अभी SHM परफॉर्म कर रहा है। तो क्या करेगा, ये पार्टिकल इस पाथ पे ही टू एंड फ्रो मोशन करते रहेगा। अभी ये जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका स्टेट एक्सप्लेन करना, मतलब क्या करना, इसका स्टेट एक्सप्लेन करना मतलब बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो पहला, ये जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है उसका मीन पोजिशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, या फिर उसका पोजिशन क्या है। जो पार्टिकल आपका SHM परफॉर्म कर रहा है वो पार्टिकल कहाँ पे है। ठीक है, पहली चीज तो हमें वो देखनी पड़ेगी, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन का स्टेट क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है। मीन पोजीशन से पार्टिकल की पोजीशन देखना मतलब क्या कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मालूम होना मतलब पहली चीज कौन सी मालूम होना, कि उस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, दूसरी चीज क्या मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बता दिया कि मान लो पार्टिकल जो है उसका पोजीशन है मीन पोजीशन से 5 मीटर दूर, ऐसा मैंने सिर्फ आपको बोला कि पार्टिकल है 5 मीटर दूर। लेकिन ये जो पोजीशन आपको बताई है वो पोजीशन आपको ये नहीं बताता कि पार्टिकल 5 मीटर दूर तो है, लेकिन पार्टिकल आपका इधर आ रहा है क्या उधर जा रहा है। ठीक है, और खाली जब डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं तो ये 5 मीटर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि ठीक है 5 मीटर दूर है तो, लेकिन पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। और सिर्फ जब हम डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करेंगे या सिर्फ जब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम, तो हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखना उसका पूरा का पूरा स्टेट नहीं बताता है, हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बताता है। और थर्ड क्वांटिटी, ऑसिलेशन नंबर। ये तीन चीज अगर आपको मालूम होंगी तो आपको क्या मालूम है, तो आपको स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मालूम है। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको ऑसिलेशन का स्टेट मालूम नहीं है। ठीक है, आप कहीं बाहर गए हो, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल आपको यहाँ पे दिखा, तो आप पार्टिकल का ये पोजीशन देख के आप तो बता नहीं पाओगे कि पार्टिकल ये कौन सा ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट ऑसिलेशन है, सेकंड ऑसिलेशन है, थर्ड ऑसिलेशन है, पेंडुलम हिला के चले गए अपन बाहर वापस आए, तो जब पार्टिकल आपको ये पोजीशन पे दिखेगा इधर भी जाते दिख सकता है, उधर भी जाते दिख सकता है, लेकिन कहां पे भी जाए आप ऑसिलेशन कौन से नंबर का चल रहा है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सिर्फ, आपको अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है तो फिर भी आप पूरा का पूरा ऑसिलेशन का स्टेट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ खाली बोला है कि पार्टिकल चलो मीन पोजिशन की तरफ आ रहा है, बस इतना बोल दिया। ठीक है, लेकिन मीन पोजिशन से फिर आपको वापस देखना पड़ेगा कि कितना दूर है, कितने ऑसिलेशन परफॉर्म करने के बाद वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, ऑसिलेशन नंबर आपको मालूम नहीं होता है। और अगर आपको ये तीनों चीजें मालूम हो गई, ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ जाने वाला है और कितने नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है, ये अगर तीनों अगर आपको क्वांटिटीज मालूम है, तीनों टर्म्स अगर मालूम है, तो ही आपको क्या मालूम है, उस पार्टिकल के ऑसिलेशन का स्टेट मालूम है। ठीक है, तो ऑसिलेशन का स्टेट मालूम होना मतलब क्या, कि पार्टिकल कहाँ पे है, कहाँ पे जाने वाला है और पार्टिकल कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म कर चुका है।
ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो है या फिर इन तीनों चीजों को बताने के लिए एक क्वांटिटी यूज होती है, उस क्वांटिटी को हम इसमें देख चुके हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है। तो इसमें ये जो क्वांटिटी है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी को हम क्या बोलते हैं फेज बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं फेज बोलते हैं। और ये जो फेज है ये क्या है, इसको फेज बोलो या फिर क्या बोलो फेज एंगल बोलो, क्योंकि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आते हैं सिर्फ एंगल्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसी को क्या बोलेंगे फेज बोलेंगे या फिर फेज एंगल बोलेंगे। तो आपको बताओ कि ये फेज मतलब क्या, जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन डिनोट करता है, तो ये एंगल जो है वो ऑसिलेशन का स्टेट कैसे बताएगा, ठीक है। तो ये जो सिर्फ एंगल है, एंगल कैसे बता सकता है ऑसिलेशन का स्टेट, अभी वो हम देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको फेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या करता है, एक ऐसी टर्म है एक ऐसी क्वांटिटी है जो ऑसिलेशन का स्टेट बताएंगी। स्टेट बताना मतलब क्या करना, कि पार्टिकल कहाँ पे है वो बताना, कहाँ पे जाने वाला है वो बताना, और कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है वो बताना। ये तीनों चीजों का मालूम होना मतलब क्या मालूम होना, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मालूम होना, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन पता करने के लिए ये जो है डिस्प्लेसमेंट वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, उसी टर्म को हम क्या बोल देंगे फेज बोल देंगे या फिर फेज एंगल बोल देंगे, और यही क्या करेगा हमको ऑसिलेशन की स्टेट एक्सप्लेन करेगा, कैसे करेगा वो भी देखते हैं। चलो दोस्तों, तो फेज समझने के लिए आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये जो है आपका मीन पोजीशन है, ठीक है, ये है मीन पोजीशन, और पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे होगा, तो ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये है निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। यहां से इतना अंतर कितना होता है एम्पलीट्यूड जितना, और यहां से इतना अंतर भी कितना होता है एम्पलीट्यूड जितना, दोनों साइड पे एम्पलीट्यूड सेम होता है, ठीक है। हम फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, फेज क्या होता है, फेज होता है ये वाली क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये क्या होता है एंगल होता है, ठीक है। तो फेस पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, फेस समझने के लिए क्या करना होगा, ये जो मीन पोजीशन है उसके ऊपर मैं जीरो लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ जीरो। ये जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है उसके ऊपर मैं पाई बाय टू लिख देता हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा पाई बाय टू, और ये जो एक्सट्रीम पोजिशन है उस पर थ्री पाई बाय टू लिखूंगा कैसे, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना, जब हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तब उनकी एक्सट्रीम वैल्यूज जानने के लिए हमने फाई की वैल्यूज निकाली थी, ठीक है, पूरे एंगल की वैल्यूज भी निकाली थी, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में नहीं होगा तो यहाँ पे भी समझ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो मीन पोजिशन से कोई भी हम क्या बोलते हैं कि जो ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मीन पोजिशन पे स्टार्ट कर रहे हैं तो एंगल भी तभी स्टार्ट करो, वहां पे एंगल को क्या लिख दो जीरो लिख दो, ठीक है। वापस यहां से फिर स्टार्ट मान लेते हैं कि पॉजिटिव साइड हमारा पार्टिकल जा रहा है, तो पॉजिटिव साइड अगर पार्टिकल जा रहा है तो एंगल धीरे धीरे पॉजिटिव साइड बढ़ते जाएगा, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे पहुंच जाएगा तो पार्टिकल का एंगल कितना हो जाएगा पाई बाय टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाय टू, ठीक है। वापस इधर आएगा, देखो अभी एंगल केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, एंगल की टर्म जीरो था यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो कितना हो गया 90, ठीक है, 90 हो गया मतलब पाई बाय टू रेडियन हो गया, वापस 90 आया मतलब टोटल कितना हो गया 90 में और 90 मिल गया, कितना हो गया 180 में वापस इधर दूर तक जाएगा, ये किधर गया और 90 मतलब 180 में 90 ऐड कर दो 270 हो जाएगा, 270 मतलब क्या 3π/2 वापस 90 आ गया, 3π/2 में π/2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 2π, तो वापस 2π पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर से बताता हूँ, पॉजिटिव साइड जाएंगे पहले, यहां से इतना दूर, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, एंगल के बारे में बात करेंगे अभी, फेस जो है वो क्या है एंगल है, तो यहां से इतना दूर कितना एंगल 90, यहां से भी इतना दूर कितना एंगल है 90 है, ठीक है, तो यहां से पहले गया 90 हो गया, ठीक है, वापस आया वापस प्लस 90 कर देना कितना हो गया 180 हो गया, इधर दूर गया वापस 90 270 वापस आ गया 360, ठीक है। इस तरह से पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, तो मुझे बताओ कि जो ऑसिलेशन होता है वो हर 2π रेडियन के बाद रिपीट होता है। देखो यहाँ पे जीरो पे था, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, पाई बाय टू मतलब 90, वापस आएगा 180, 270, 360 में और 90 ऐड कर दो, ठीक है, वापस 180 ऐड कर दो, वापस 270 ऐड कर दो, वापस 360 ऐड कर दो, फिर से यहाँ पे आएगा मतलब 720 डिग्री जब हो जाएगा एंगल, यानी
फोर पाई रेडियन जब हो जाएगा एंगल तो वापस यहां पे आएगा। तो ऑसुलेशन जो होता है, ऑसुलेशन रिपीट्स आफ्टर ओमेगा टी प्लस फाइव, पूरा एंगल कितना हो जाता है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री हो जाता है, तब हो जाता है। ठीक है, तो मान लो यही एंगल क्या है आपको अभी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बता रहा है। मैं अगर आपको बताऊं कि मान लो फेज जो है, केसेस है इसमें, फेज एंगल थीटा, इसको थीटा बोल देते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव को पूरे ब्रैकेट को थीटा बोल देते हैं। अगर आपको बोल दिया कि थीटा जीरो डिग्री है, थीटा जीरो डिग्री है मतलब पार्टिकल कहां पे है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टिकल मीन पोजिशन पे है। कहां पे जाने वाला है, पॉजिटिव साइड जाने वाला है, पॉजिटिव साइड जाने वाला है। और ऑसुलेशन कौन सा चल रहा है अभी, जस्ट फर्स्ट ऑसुलेशन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ने अभी जस्ट उसका मोशन क्या किया है, चालू किया है। मोशन जब जस्ट चालू किया है तो फेज कितना होगा, जीरो होगा। फेज जीरो होगा तो पार्टिकल मीन पोजिशन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखा है। और जीरो के बाद में एंगल बढ़ता कौन से साइड है, एंगल पॉजिटिव साइड बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम साइड। तो जीरो के बाद तो एंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जीरो के बाद एंगल बढ़ रहा है तो मान लेंगे हम कि वो कौन से साइड जाने वाला है, पॉजिटिव साइड जाने वाला है। और कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, फर्स्ट ऑसिलेशन चल रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। फर्स्ट ऑसिलेशन क्यों, देखो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है, 2 पाई लगता है। 2 पाई हुआ है क्या एंगल, नहीं जीरो हुआ है। 2 पाई से एंगल कम है ना, तो 2 पाई से एंगल कम है तो ऑसिलेशन कौन सा चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये जो थीटा है, ये जो ओमेगा डी प्लस फाइव का वैल्यू है पूरा, ये पूरा का पूरा आपको बता देता है कि पार्टिकल कहां पे है, कहां पे जाने वाला है और कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है वो भी बता देगा। ठीक है, चलो अभी मैं बोलता हूं फेज जो है वो थीटा मान लो कितना है, 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। मैंने 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन यहां पे लिखा है तो समझ जानेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम साइड के आगे तो वो जा नहीं सकता। ठीक है, पाई बाय 2 है मतलब उसका पोजीशन क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, यहाँ पे पाई बाय 2 लिखा है। तो यहाँ पे आने के बाद पार्टिकल अब को सभी किधर जाएगा, वापस मीन पोजीशन की तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो हमको मालूम है कि पार्टिकल अभी किधर जाने का प्रयास करने वाला है, मीन पोजीशन की तरफ जाने का प्रयास करने वाला है। और अभी फिर से जो थीटा है वो 2 पाई से बड़ा है क्या आपका, 2 पाई से बड़ा नहीं है तो ऑसिलेशन कौन सा चल रहा है, फर्स्ट ही चल रहा है। ऑसिलेशन कौन सा चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, अभी मान लेते हैं फेज कितना है, 270 डिग्री या फिर 3 पाई बाय 2 रेडियन। 3 पाई बाय 2 रेडियन मैंने यहां पे लिखा है तो पार्टिकल अभी आपको किधर होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से तो दूर जा नहीं सकता, मतलब अभी कहां पे जाने वाला है, अभी वापस मेन पोजीशन पे जाने वाला है। और एंगल 2 पाई से बड़ा है नहीं, 2 पाई से बड़ा है नहीं, 2 पाई से छोटा है ये वाला। ठीक है, तो अभी भी फिर से कौन सा चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, अभी वापस मान लो फेज मैंने लिख दिया 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 बाय 2, वापस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पे पाई भी आएगा, 2 पाई भी आएगा, पाई भी लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 पाई जब आएगा तो पार्टिकल देखो कैसे हो रहा है, 90, 180, 270, 360 आने के बाद वापस किधर जाएगा, आगे जाने वाला है। लेकिन पहले पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम के साइड जाएगा। और अभी एंगल जो है वो 2 पाई कंप्लीट हो गया है, एंगल 2 पाई कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब अभी एंगल 2 पाई के आगे जाएगा। जैसे ही एंगल 2 पाई के आगे जाएगा वैसे आपका फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, सेकंड चालू हो जाएगा। तो अभी ऑसिलेशन कौन सा चल रहा है, सेकंड चल रहा है। ठीक है, अभी चलो वापस एक लेते हैं, मान लो जो फेज है आपका वो फेज है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन। इसमें देखो क्या है, यहां से यहां पे कितना है, यहां से यहां पे पाई बाय 2, 90 हो गया, वापस आया कितना आया, 180 हो गया। तो अभी पार्टिकल का पोजीशन कहां पे है, मीन पोजीशन पे है। दूसरा, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, कैसे आया, 90 180, यहां से यहां पे गया, यहां से यहां पे आएगा, अभी किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो फेज ही बता देता है कि इतना घूम के आया है, इतना घूम के आया है और इधर जाने वाला है, निगेटिव साइड जाने वाला है। और कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, फर्स्ट, क्योंकि एंगल अभी तक 2 पाई के ऊपर नहीं गया है। तो ये सारा चीज बताने का काम कौन कर देता है आपको, ये बता देता है,
ये इतना एंगल ही सिर्फ आपको बता देता है कि पार्टिकल कहाँ पे है, कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, और कितने नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है। चलो मान लेते हैं तुमको मैंने फेज दे दिया, ठीक है, ये पाई बाय टू, थीटा मैंने बोल दिया, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने बोल दिया कि 780 डिग्री है, ठीक है, 780 डिग्री है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा 360 इंटू टू प्लस 60, करते देखो 780 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 720 प्लस 60 लिख सकता हूं। अभी 720 को क्यों लिखा, अभी 720 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें 360 के मल्टीपल में, 360 डिग्री मतलब क्या, 2 पाई रेडियन के मल्टीपल लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 360 डिग्री मतलब 2 पाई इंटू 2 प्लस 60। अभी ठीक से देखना क्या है, ये 2 पाई इंटू 2 जब हो जाता है, ये किसमें लिखा मैंने, रेडियन में, तो 60 लिखने से अच्छा मैं क्या लिखूं इधर, पाई बाय थ्री। तो अभी देखो 2 पाई के साथ में मल्टीप्लाई को है कुछ, जो 2 पाई के साथ में मल्टीप्लाई को होता है ना, वो आपको बता देता है कि कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, कौन सा ऑसिलेशन या कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कौन सा, दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो के पाई बाय थ्री वो आगे भी निकल चुका है। तो देखो मैं आपको गिनाता हूं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, वापस 360 हो गया 780 में से, अभी वापस कितना बचा, बहुत सारा बचा, वापस 360 डिग्री आएंगे, देखो 90, 180, 270, 360, वापस 360 प्लस 90, 360 प्लस 180, 360 प्लस 270, 360 प्लस 360, 720 भी इधर आ गया, 360 प्लस 360 कितना हो रहा है, 720, ठीक है, तो और 720 आने के बाद आगे और कितना गया, उतना पाई बाय थ्री आगे चला गया, पाई बाय थ्री आगे चला गया, मतलब अभी क्या हम बता सकते हैं कि दो ऑसिलेशंस कंप्लीट हो चुका है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमने बता दिया, दो ऑसिलेशंस कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में जो 60 डिग्री है वो 60 डिग्री आगे जा रहे हैं अपन, ठीक है, 60 डिग्री आगे जा रहे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम अभी किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम के साइड जाने वाले हैं। तो दो चीजें पता चल गई, पहला है ऑसिलेशन का नंबर और पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर अभी आ जाएगा ए साइन थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा, थीटा मालूम पड़ गया आपको, एम्पलीट्यूड मालूम होता है, इतना क्या होता है एम्पलीट्यूड जो कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड तो हम आराम से निकाल सकते हैं, वैल्यू डाल दो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल खुद ही आपको बता देता है कि कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है, जो पार्टिकल का पोजीशन क्या है, और पार्टिकल कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। अगर आपको बता दिया, बताओ तहु थीटा है 1000, ठीक है, 1000 डिग्री जो है उसको हम किस में कर लेते हैं, रेडियन में कर लेते हैं, या फिर उसको हम 360 के मल्टीपल में लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो 360 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो साइड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 8 1 1 0 8 0, तो देखो ये वाला जो थीटा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 0 8 0 माइनस 8 0, 1000 लिखा है मेरे को, तो 1080 में से 80 माइनस कर देंगे, इसको अगर मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, देखो अभी 1080 मतलब क्या, 3 × 360 डिग्री, और ये माइनस है, देखो ये मीन पोजीशन से चालू होता है, जीरो मतलब मीन पोजीशन से चालू होगा, 90 180 270 360 360 पे क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 720 पे भी क्या होगा, पार्टिकल का दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा और पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। वापस 360 इंटू 3 मतलब 1080 पे क्या होगा, 1080 पे थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा और पार्टिकल वापस कहां पे आ जाएगा, मीन पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन एंगल जो है वो 1080 नहीं है, क्या है, 1000, मतलब क्या है, थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ नहीं है, थर्ड ऑसिलेशन चल रहा है, ठीक है। ये 720 पे हो गया, 720 प्लस 90 कितना हो गया आपका, 810 हो गया, वापस ये 90 आएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये पूरा यहां तक नहीं आ पाएगा, यहाँ पे पूरा नहीं आ पाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1080 में से कितने गए, 80 गए, तो पार्टिकल यहाँ पे दूर जाएगा और यहाँ से सिर्फ कितना आ जाएगा, पूरा 90 होता है तो यहाँ पे सिर्फ वो कितना आ पाएगा, 10 आ पाएगा, 80 तो माइनस कर दिया हमने, तो 80 माइनस कर दिया तो पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या बता सकते हैं कि पार्टिकल इस पोजीशन से है,
इधर आने वाला है और इसका डिस्प्लेसमेंट हम वापस इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये जो एंगल होता है, ये एंगल ही हमें बता देता है कि क्या पार्टिकल का पोजीशन क्या है, पार्टिकल किस साइड जाने वाला है और ऑसिलेशन कौन सा चल रहा है। थर्ड ऑसिलेशन अभी इस केस में कंप्लीट नहीं हुआ था, ऑसिलेशन थर्ड ऑसिलेशन चल रहा था और पार्टिकल इधर था। ठीक है, तो एंगल जो है वही बता देता है हमको स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और उसी को हम बोलते हैं फेज एंगल। एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि ऑसिलेशन रिपीट्स आफ्टर 2π रेडियन और 360 डिग्री। जो भी एंगल आपको दिया है उस एंगल को 360 के मल्टीपल में लिखना ट्राई करो और जो एंगल बचता है उस एंगल से क्या करो, आप पोजीशन ढूंढो, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा फेज इन एसीटीएम, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।